हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जा रहे हैं आमेर और जयगढ़ की तरफ जाएंगे, और जयगढ़ का और नारगढ़ का और आमेर का तीनों जगह का शायद आपको व्यू देखने को मिलेगा। नारगढ़ और जयगढ़ का तो पक्का है, लेकिन आमेर का अभी तक पता नहीं है कुछ। तो फाइनली दोस्तों, जयगढ़ तो पहुँच चुके हैं हम, और गाड़ी वगैरह बाहर खड़ी कर चुकी है, टिकट लेके हम अंदर आ चुके हैं। और हमारे गुजरात के मेहमानों को थोड़ी भूख लग गई थी, तो वो वहाँ पे हमारे सेव ममरा वगैरह बोलते हैं गुजरात में, वो लेके बैठ चुके हैं खाने के लिए। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ फोटोशूट चल रहा है, ये देखिए जगह। तो देखिए फोटोशूट करने के लिए कौन सी जगह ली है इन्होंने। ये हमारे गुजरात की भीड़ देखिए, गुजरात में कितने सारे लोग आए हमारे। चलिए दोस्तों, थोड़ा जयगढ़ का व्यू दिखाते हैं आपको, देख लीजिए मेरे पीछे ये सारा जयगढ़। थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाते हैं, और वो छतरी दिख रही है आपको पीछे की तरफ, उस छतरी पे हमारे सारे मेहमान बैठे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ अभी दोबारा से। थोड़े एंटिक पीस है, चलिए उनके पास ही चलते हैं और उनसे मिलते हैं, थोड़ी बातचीत भी करेंगे। लेकिन अभी वो थोड़ी फोटोग्राफी में बौड़े हो चुके हैं, तो बातचीत तो खैर वो करेंगे नहीं। देख लीजिए, देखिए यार व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे आगे थोड़ा, मेरे चाचा और आगे चल रहे हैं, उनके पीछे मैं चल रहा हूँ, और मेरे पीछे हमारे गुजरात के दूसरे मेहमान आ रहे हैं, अभी तक आ नहीं रहे। हाँ अब आ रहे हैं, वो सफ़ेद में मेरे पापा जी है। देख लीजिए व्यू, देख लीजिए आप तो पहले, ये देखिए हरियाली हरियाली। जयपुर में हरियाली के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाता है, और यहाँ हरियाली भी इतनी है। थोड़ा इधर का भी व्यू दिखाता हूँ, पहाड़ पहाड़ जगह जगह। जब पापा जी आए कर रहे हैं, तो दोस्तों छतरा छतरी तो देख ली हमने, और अब तोप का कारखाने की बारी है। चलो तोप का कारखाना देखते हैं। ये तोप का कारखाना देख लीजिए, यहाँ राजा महाराजा तोप बनाते थे। यह है तोप का कारखाना, और आप देखेंगे कुछ और। चलो दोस्तों ये देख लीजिए, भट्टी के औजार, अब राजा महाराजाओं के समय के भट्टी के औजार है यहाँ पे, भट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया लिख रहा। तो भट्टी के औजार तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ भट्टी के औजार है। ये देख लीजिए, यहाँ लिख रहा है लोहार साने के विभिन्न औजार, ये देख लीजिए लोहार साने के विभिन्न औजार को भी देख लीजिए, और आगे भी है कुछ, वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो ये तो लोहे के हथियार है, बदई के औजार लिख रहे हैं, ये भी देख लीजिए, दिख रहे होंगे, हाँ दिख रहे हैं। और अब लास्ट ये रस्सा रस्सी है, और ये कौन से औजार है, चलो उसको भी देखते हैं क्या ही लिख रहा है इधर। यहाँ लिख रहा है लोहार के खाने का सामान, लोहार के खाने का सामान देख लीजिए, ये देखिए। मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा ये आपको जयपुर के राजा महाराजाओं के समय के कपड़े वगैरह, तो बाहर है वो शायद बाद में देखने को मिलेंगे, और ये इनके भट्टे भट्टियाँ लोहे की पता नहीं क्या क्या, ये भी देख लीजिए। और अब ये इनकी चारपाई बजट बजोट हाथ का पंखा, फाइनली दोस्तों बड़ी तोप के पास पहुंच चुके हैं। चलिए आपको बड़ी तोप दिखाते हैं, ये पीछे दिख रही है।
चलिए इसको थोड़ा सा आगे से भी दिखा देते हैं बड़ी तोप को आपको। ये बड़ी तोप। चलिए दोस्तों जयगढ़ तो घूम लिया पूरा, उसके बाद आमेर जाने वाले थे, लेकिन आमेर में जाने से पहले इनके थक तुका गए सब, गुजरात के मेहमान सारे थक तुका के बैठ गए और अब कह रहे घर जाना है। तो सोचा कि इनको गोविंद देव जी का मंदिर घुमा दे, तो रास्ते में जलमहल आया है, अभी ने जलमहल दिखाने के लिए रोक दिया है। देखिए आप भी देख सकते हैं जलमहल, मेरे पीछे जलमहल दिख रहा है। अब इसके बाद इन्हें गोविंद देव जी लेके जाएंगे। दोस्तों इनको जलमहल दिखा दिया, उसके बाद गोविंद देव जी का मंदिर दिखा दिया, और अब हवा महल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हवा महल रोड के बीच में आएगा, अंदर तो जाएंगे नहीं क्योंकि थक चुका चुके हैं। अब घर जाके खाना वाना खाएंगे, थक गए हैं और बोल रहे थे अब घर ही जाएंगे सीधा, तो खा ही नहीं। हवा महल बीच रोड पर आएगा, तो हवा महल तो देख ही लीजिए आप, और थोड़ा मार्केट वगैरह भी देख लीजिए, तो मार्केट वगैरह देखेंगे। तो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। अगर पसंद आए वीडियो, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।